राजधानी लखनऊ में हाईवे के बीचों बीच युवक का कॉलर पकड़ पिस्टल सटाने का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस हरकत में आई और पिस्टल बाज को सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन सवाल है कि योगी सरकार में आचार संहिता के बावजूद ये कौन शख्स है जो सरेराह दादागिरी दिखा रहा है? फिलहाल दादागिरी दिखाने वाले महाशय कौन है और इस कांड के बाद उनके साथ क्या हुआ? कांड हुआ बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि लखनऊ में दिन दहाड़े एक अजीब घटना घटी है। एक अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज ने कार में मामूली टक्कर हो जाने पर अपनी पिस्टल निकाल ली। उसने पीछे से आ रही कार ड्राइवर को पिस्टल के बट से मारा और इस दौरान पूरी सड़क पर जाम लग गया और लोग वीडियो बनाने लगे। आपको बता दें कि पिस्टल से धमकी देने वाला आरोपी गोमती नगर के विवेक खंड में रहने वाला विनोद मिश्रा है, जो कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज है। सोमवार दोपहर विनोद मिश्रा अपनी एसयूवी कार से फैजाबाद रोड से गुजर रहा था, तभी उसने अचानक ब्रेक लगा दी। अचानक ब्रेक लगने से पीछे से आ रही कार उसकी एसयूवी से टकरा गई। इस मामूली बात पर विनोद ने अपना आपा खो दिया। वह अपनी एसयूवी कार से बाहर निकला और सरेराह कार चालक सतीश पर पिस्टल की बट से वार कर दिया। इस दौरान पूरी सड़क पर जाम हो गया। इंस्पेक्टर विभूतिकंठ सुनील कुमार सिंह के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते ही पुलिस सक्रिय हो गई है। विनोद मिश्रा के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के विभूतिकंठ थाने के लॉकअप में उसे रखा गया है। आपको बता दें कि विनोद मिश्रा शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं। विनोद और उनकी व्यवसायी पत्नी अनीता मिश्रा ने 2021 में शिवपाल की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था, जिसके बाद दोनों ने कहा था कि वह अपने अपने क्षेत्र से सेलेक्टेड हैं, लेकिन शिवपाल यादव के कारण वह राजनीति में आए हैं। फिलहाल दोनों किस पार्टी में है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन वाराणसी के रहने वाले विनोद के इस कांड के बाद वह सुर्खियों में आ गए हैं। वहीं आदर्श आचार संहिता में भी पिस्टल लेकर चलने का भी सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।